नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशा और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार हिंदी न्यूज चैनल, जो रखता है राज समाज के हर खबर पर अपनी कड़ी नजर। देश और प्रदेश की खबरों के साथ आपके समाज आसपास की घटनाओं से हम कराते हैं आपको रूबरू। तो आइए चलते हैं कुछ खबरों की ओर। बीते करीब एक पखवाड़े से जारी भीषण शीतलहर का भारी असर आज मकर संक्रांति पर्व पर भी पड़ा है। बीते वर्षों में मकर संक्रांति पर्व पर क्षेत्र के नानामऊ गंगा तट पर स्नार्थियों की भारी भीड़ उमड़ती रहती है और परंपरागत रूप से मेला भी लगता रहता है, लेकिन आज हिंदुओं के इस प्रमुख त्यौहार पर गंगा नदी के किनारे तंबू लगाए बैठे पंडे अपने यजमानों की बाट जोहते रह गए। आज पंडों को एक दिहाड़ी के बराबर भी दान की खिचड़ी या मेहनताना नहीं मिल सका। शीतलहर के कहर से नानामऊ गंगा तट पर मेला तो दूर एक मिठाई की दुकान भी नहीं दिखाई पड़ी। तेज हवाओं के झोंकों के चलते गंगा तट पर बमुश्किल 2 सैकड़ा श्रद्धालु ही स्नान कर सकें।